अगर आप भी लंबे टाइम से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में नौकरी का इंतजार कर रहे थे या फिर आप इसकी तैयारी में लगे हुए थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के कई पदों पर भर्ती निकाली है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए। तो चलिए आपको वन बाय वन सारी चीजों से रूबरू करा देते हैं। एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट। सरकारी नौकरी का ये सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में बहुत ही बड़ी भर्ती की बात होने वाली है। बात होगी इंटेलिजेंस ब्यूरो में एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट पदों पर भर्ती के बारे में। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या 677 है। बात अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो तो 362 पद और एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के 315 पद है। ठीक है, अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि MHA.gov.in यहां जाना होगा और यहां जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया गया है। 14 अक्टूबर से लिंक एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 नवंबर तक का टाइम होगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लंबा नहीं है। आपको विद इन द टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डिटेल्स भरनी है और फॉर्म आपको अपना सबमिट कर देना है। ठीक है, बात अगर योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो सो अगर आपके पास 10th पास का या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि कुछ पदों के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक करनी है यानी कि किस पद के लिए और डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करना होगा या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी हमने लिंक अटैच कर दिया। बात करें एज लिमिट की तो अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए उम्र सीमा 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल है। लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के जो पद हैं इस पर सिलेक्शन आपको कैसे होगा। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम्स लिए जाएंगे सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा टीयर 1 में एमटीएस के लिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जो टीयर 2 एग्जाम है वो होगा ड्राइविंग टेस्ट और ये एग्जाम सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटी पोस्ट के लिए लिया जाएगा। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मालूम हो। ठीक है, अब बात करते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। सो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो एमटी पोस्ट है उसके लिए सिलेक्ट होने पर लेवल 3 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि पर मंथ 21,700 रुपीज से 69,100 रुपीज। और ये सब सैलरी है, इसके अलावा जो भी पर्क्स मिलते हैं यानी कि अलाउंसेज है वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आप एमटीएस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि पर मंथ 18,000 रुपीज से लेकर 56,900 रुपीज तक। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, मौका बहुत अच्छा है, 677 पोस्ट है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे ही लिंक एक्टिव हो आपको वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। सो ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी इंटेलिजेंस ब्यूरो में होने वाली भर्ती के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स और जानना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेकेट।